स्पोर्ट्स आर नोन फॉर यूनाइटिंग पीपल, वेल इट्स ट्रू। लोगों का भीड़ देख के पता चल ही रहा था और लोगों का उत्साह देख के और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। प्लेयर्स फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ कंट्री पार्टिसिपेट विद पैशन एंड हॉकी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडियन लेगेसी एंड नाउ ओडिशा इज नोन एज द नर्सरी ऑफ हॉकी। ओडिशा इज द फर्स्ट स्टेट टू होस्ट बैक टू बैक एडिशंस ऑफ वर्ल्ड्स प्रीमियर हॉकी टूर्नामेंट्स एंड आई एम हियर टू सपोर्ट हॉकी एंड लेट्स मेक हॉकी मोर पॉपुलर टुगेदर। सो अभी हम लोग आए हैं बिरसा मुंडा स्टेडियम में एंड कल था इंडिया का मैच बट आज हम लोग अटेंड कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली कल का जो टिकट हम लोग को नहीं मिला और आज हम लोग अटेंड करने वाले हैं 3 बजे जो है नेदरलैंड्स एंड मलेशिया का मैच है, 3 बजे स्टार्ट होने वाला है और हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं तो चलिए अंदर चलते हैं। हाउ इज यू फीलिंग? यस आई एम सो एक्साइटेड। एंड देख रहे हो क्राउड और ये क्राउड देख के मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट मोर मैचेस लाइक दिस एंड आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि मुझे अंदर जाके देखना है कि हाउ दिस यू नो फील्ड एक्चुअली लुक्स इनसाइड। हे किड, डोंट एवर लेट देम गेट इनसाइड योर हेड, दे'ल टेल यू व्हाट टू डू इन लाइफ इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग यू नो दैट यू कैन गेट। Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. तो यहाँ पे ना सब अलग अलग ईस्ट वेस्ट सब कुछ इस हिसाब से सीट है तो हमारा जो सीट है ईस्ट की तरफ है जो है सेक्टर 209 में तो इधर है और हम लोग वही ढूंढ रहे हैं फिलहाल और लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। So finally, we are inside this stadium. कैसा लग रहा है तुमको अंदर आके? बहुत ही अलग ही जगह पे है लग रहा है। और I don't know, पता नहीं मुझे फील हो रहा है या फिर तुमको भी लग रहा है। This stadium actually feels like an airport, right? इसका जो बहुत बड़ा है एंड ब्लू वाला जो यहाँ पे सारा कुछ लिखा गया है ना देख सकते हो ब्लू एंड ये जो कलर कुछ ये जो कलर मुझे ना एयरपोर्ट वाला फील हो रहा है। अंदर स्टेडियम का कैसा नज़ारा है? I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. जैसे कि सारे मैचेस में होता है सबसे पहले नेशनल एंथम बजाया जाता है दोनों टीम का, तो हम लोग सारे खड़े थे, उसके बाद काउंटडाउन शुरू हुआ और उसके बाद शुरू हो गया हमारा ये हॉकी मैच। टीम मलेशिया टीम नेदरलैंड्स रेडी है गेम शुरू करने के लिए। जो व्हाइट वाले यूनिफॉर्म में है वो है मलेशिया वाला टीम एंड जो ये ब्लैक वाले टीम में है ना वो है नेदरलैंड्स की टीम। तो लेट्स सी कौन जीता है आज का मैच एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस मच क्राउड आज के दिन में क्योंकि आज इंडिया का मैच नहीं है, आज दूसरे कंट्रीज का मैच है। स्टिल आप देख सकते हो क्राउड एकदम स्टेडियम भरा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है देख के बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द गुड साइन और ऐसे ही मैच होते रहे हमारे इस राउरकेला स्टेडियम में। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर मैचेस राइट एंड आई एम सो हैप्पी। I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. पीछे फ्लैग्स लगे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी क्राउड है पीछे देख सकते हो, दो चार सीट ऐसे खाली है बट चलेगा। टीम में मैच हो रहा है
स्टिल जो हवा चल रहा है ना बीच बीच में काफ़ी राहत भरी है क्योंकि धूप है स्टिल पवन जो हवा चल रहा है ना बहुत अच्छा लग रहा है। अभी से हम लोग देख रहे थे कोई टीम भी एक भी गोल नहीं किया था एंड फाइनली नेदरलैंड्स ने एक गोल किया है तो देखते हैं मलेशिया अब क्या करता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर होने के बाद अभी हाफ टाइम हुआ है और नेदरलैंड्स ने दो गोल किए और मलेशिया ने भी एक बार एक गोल नहीं कर पाया है। तो हाफ टाइम में हम सोच रहे कुछ खा लेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा फूड कोर्ट जो देख सकते हो और देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो चलो कुछ खा लेते हैं ना, भूख लग रहा है तुमको तो कुछ कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं ठीक है, हॉट पॉपकॉर्न। चलो तो यहाँ पे पॉपकॉर्न से लेके सारा कुछ स्नैक्स आइटम मिल रहा था एंड कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब मिल रहा था और हम लोग हमारा कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न बाहर ही खा के हम लोग अपनी सीट की तरफ बढ़े मैच को एंजॉय करने के लिए। That's a penalty corner for the team Netherlands. Presentation and welcome also to the FIH Odisha Hockey Men's World Cup 2023. This match between the Netherlands and Malaysia. सूरज भी डूब रहा है और हमारा मैच खत्म हो चुका है और नेदरलैंड जीत गया है 4-0 से एंड बहुत ही अच्छा लगा है एक्सपीरियंस। लाइव देखने का जो मज़ा है ना टीवी में देखने का मज़ा उतना भी नहीं है। तो मैच खत्म हो गया तो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं ऑलिस लैंड में, वहाँ पे बहुत सारे खाने का स्टॉल वगैरह है एंड वहाँ पे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं ऑलिस लैंड। नोटिस किया ना यहाँ पे सारे जो गेट के सामने जैसे कि साउथ ईस्ट है नॉर्थ है सबके सामने ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए गए, देख सकते हो बड़ा वाला यहाँ पे और पीछे ईस्ट का है वहाँ पे भी स्ट्रक्चर बनाया गया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो और हम लोग आते हैं ना बहुत कंफ्यूज हो गए कहाँ जा रहा है। अभी मुझे पता चला कि यहाँ पे तो लिखा हुआ इतना बड़ा स्ट्रक्चर भी दिया गया है ताकि आप लोग आराम से अपनी उस सीट की तरफ जा सको। ये बहुत ही अच्छा है, ये मुझे बाद में पता चला, अगर आप आ रहे हो बाद में तो ये आप बिल्कुल नोटिस करना और जाना अपनी सीट की तरफ बहुत ही ईजीली।
इनसाइड द ऑल इज लैंड आपको खाने के ऑप्शन मिल जाएंगे, स्टॉल से खाने के बहुत सारे, एंड यहाँ पे आप अपने लिए जर्सीज ले सकते हो हॉकी का, एंड बहुत सारे हॉकी के स्टफ्स ले सकते हो अपने लिए परचेज करके, एंड खाना भी एंजॉय कर सकते हो विद दिस ब्यूटिफुल क्राउड। द थर्ड क्वेश्चन इज, ये हॉकी स्टेडियम कितने महीनों में बनकर रेडी हुआ? करेक्ट। उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे फन गेम्स भी अरेंज किए जाते हैं जहाँ पे खुद ओली आपको क्वेश्चन पूछता है और आप आंसर करोगे तो आपको मिलेगा एक टी शर्ट। इस ब्यूटीफुल सीन को कैप्चर करने के लिए हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ा क्राउड कम होने का, एंड यहाँ पे 360 सेल्फी बूथ भी है जहाँ पे अपना वीडियो शूट कर सकते हो सेल्फी पॉइंट से सेल्फी लेने के लिए, एंड हॉकी स्टिक के साथ भी आप पिक्चर क्लिक कर सकते हो। लास्टली ओली के साथ पिक तो बनता ही है। Bye guys!